जय अभुराज, जय अभुराज की जय। और ये वो तपोस्थली है गंजी महाराज की, जहाँ पे उन्होंने वर्षों तपस्या करी। गजरा माँ का घर, ये उनकी गादी जहाँ पे उन्होंने तपस्या करी है, और ये उनका मंदिर। जय अभुराज। हरे कृष्णा। वो मारे दे दे ताजी के माली दे दे ताजी हर धूम से ये है और मेरे लिए तो दिया था। मैंने तेरे दवाई भी है मेरे पास, लेनी है तो ले लेना है। ये नहीं मुझे कुछ खाना नहीं है, मैं तो है गजरा माँ, दाना बापू और मान जी, माना माना बापू बड़े हुए हैं। और अब हम यहाँ से निकलेंगे परिक्रमा के लिए। जय अभुराज। और अब परिक्रमा के लिए निकलते हुए अभुराज के घर से। चलो चलो, राज की जय, सतगुरु देव की जय, की जय, भाई की जय, भगत की जय। ये सब अभुराज की जय। और अब हम पहुंचे हैं ज्ञानाराम झुरुका कचोली। ये कचोली में ही मंदिर है अभुराज का। गेट खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे नाना जी, इन्होंने समाधि ली थी, प्राण त्यागे थे, जहाँ पे अभुराज की ये समाधि स्थल है अभुराज का। और ये द्वार खुलते हुए जय अभुराज, जय अभुराज, जय अभुराज, शिव पार्वती सीताराम जी, जय जय सतगुरु ज्ञानाराम, शिव पार्वती सीताराम, जय गणपति जी, जय हनुमान, गजरामा है गुरु महान, जय गणपति। लिए चाय की व्यवस्था करते हुए हिम्मतराम, सॉरी चाय लाते हुए कचोली ठगर हनुमान सिंह जी, हनुमान हनुमंत सिंह जी। जय अभुराज।
उठे उठे मार्सी जागिए ये हमारे कछुली के ठाकुर साहब हैं हरमन सिंह जी हरमन सिंह आबू राज के अनन्य भक्त आबू राज के अनन्य भक्त बागड़िया में मूर्ति स्थापित कराने वाला बागड़िया में मूर्ति के प्रायोजक यहाँ से जलपान करके निकलेंगे आबू राज की जय और यहाँ पे और जगदीश भाई अबू राज जी के भगत और ये समाधि स्थल से निकलते हुए बोलो अबू राज की जय। और अब हम पहुँचे हैं काशी विश्वनाथ। फर्स्ट स्टॉप बीच में आए पर हम हाथ जोड़ के आगे बढ़ते रहे इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाया। ये एक नदी है जिसमें भी पानी है। बहुत ही मनोरम दृश्य अबू के पहाड़ों में। मनोरम दृश्य नदी बहते हुए। इस साइड में अच्छी बारिश है पर जोधपुर साइड में नहीं है। ये बिल पत्र का वृक्ष इन्हें बहुत पवित्र माना जाता है शंकर भगवान के लिए। बादलों की वजह से अभी हमें अबू के पहाड़ नहीं दिखा पा रहे पर अब हम यहाँ से निकलते हुए और हम काशी विश्वनाथ से प्रस्थान कर रहे हैं और दूसरे स्थान पे पहुंच के कंटिन्यू टू बी कंटिन्यूड। थैंक यू।
और अब हम पहुंचे हैं ऋषिकेश। मनोरम दृश्यों के साथ गायें, बहुत सारी बंदर, बहुत सारे, ये देखिए व्हाट अ ब्यूटी, ये आबू के पहाड़ बादलों से ढके हुए। चलो अंदर चलते हैं, बोलो आबू राज की जय। बहुत ही प्राचीन मंदिर है और ये है हमारे देव स्थानों की हकीकत। सी रियलिटी ऑफ होली प्लेसेस एंड वी आर प्राउड ऑफ बीइंग हिंदू फॉर व्हाट। सी See the condition, man. तो अभी हम दर्शन करेंगे और यह है गरुड़देव, क्योंकि काशी विश्वनाथ में विष्णु भगवान की पत्नी है। बहुत प्राचीन मंदिर है जिसमें बहुत कुछ अभी देखने को मिलेगा, जैसे कि ये देखिए दर्शन आज के। कितना मनाया, चलो बहुत यहीं पे। ये देखिए कुल्हड़िया, आई डोंट नो ये पता नहीं कहां से भटक के आते हुए। नहीं मिली गड्डी, इधर ही तो है यार। Naturally, really very nice place, but no maintenance. अब हम यहाँ से निकलते हुए आबू राज की जय। फटाफट की बात वही करते हैं जो सबसे देर से। दर्शन करो आयो रे, पीछे मंदिर का है डिजाइन। ओह, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी, गंदगी कल मेला था उसकी वजह से हुई थी। देव जुलनी 11 का मेले की वजह से इतनी गंदगी हुई थी, लोग सुबह 4 बजे निकले हैं यहाँ से पूजा अर्चना करके। बोलो आबू राज की जय। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं अगले। और अब हम पहुँचे हैं भद्रकाली माता जी के मंदिर, और ये भी बहुत रमणीक जगह पे है और बहुत ही भव्य मंदिर है। आप देख सकते हैं इनके आसपास की प्राकृतिक सुंदरता, नेचुरल ब्यूटी। एक नदी हुआ करती थी किसी ज़माने में। चलो अब मंदिर के अंदर चलते हैं।
शक्ति रूपेण से ये भी क्या हो रहा है? माता जी का श्रृंगार हो रहा है, इसीलिए पर्दे लगे हुए हैं। जय हो माता जी की जय। श्रृंगार में अभी बहुत समय लगेगा और हमारे पास में समय की कमी, इसलिए हमें निकलना पड़ेगा, पर मैं आप लोगों को दर्शन कराऊंगा। है मेरे पास में जय आपूराज। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपाणि संता नमस्ते नमस्ते श्रद्धा रूपाणि संता नमस्ते 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 नमः। या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपाणि संता नमस्ते 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 नमः। या देवी सर्वभूतेषु। चलो अब हम यहाँ से निकालते हैं, निकलते हैं और अगले स्टॉपेज की तरफ। जय बोलराज। कुत्ते एंजॉय करते हुए। अब राज की जय। चलो दूसरे स्थान की तरफ। हम मधुआ जी पहुंच गए हैं। आरती हो रही थी इसलिए मैं सीधा अंदर आ गया। बाहर का दृश्य भी मैं बाहर करके दिखाऊंगा आपको। अभी तो आरती करते हैं। Thank you.
किए और अब हम बाहर निकलेंगे। अब हम मंदिर के बाहर चलते हैं और वहाँ का आपको मनोरम दृश्य दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत प्राचीन काल की वस्तुएं लाइक दिस देखा, बहुत पुराने समय के पिल्लर हैं ये। और यही पिलर बाहर की तरफ से देखिए, ये हैं हमारे हनुमान जी। जय बजरंगबली। चलो अब इसके भी बाहर चलते हैं। और ये बाहर का दृश्य मधुसूदन जी के, ये मधुसूदन भगवान मतलब कृष्ण भगवान का ही मंदिर है, अति प्राचीन और बहुत ही रमणीय। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं दिख रहा है क्योंकि इन पेड़ों के उस तरफ बादल छाए हुए हैं, बारिश कभी भी हो सकती है और मेरे यहाँ पे धूप आ गई है। चलो अभी यहाँ से निकलेंगे अगले पड़ाव के लिए। बोलो बाबू राज की जय। आरती हो चुकी है और अब हम बाहर निकलेंगे। अब हम मंदिर के बाहर चलते हैं और वहाँ का आपको मनोरम दृश्य दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत प्राचीन काल की वस्तुएं लाइक दिस देखा, बहुत पुराने समय के पिल्लर हैं ये। और यही पिल्लर बाहर की तरफ से देखिए, ये हैं हमारे हनुमान जी। जय बजरंगबली। चलो अब इसके भी बाहर चलते हैं। और ये बाहर का दृश्य मधुसूदन जी के, ये मधुसूदन भगवान मतलब कृष्ण भगवान का ही मंदिर है, अति प्राचीन और बहुत ही रमणीय। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं दिख रहा है क्योंकि इन पेड़ों के उस तरफ बादल छाए हुए हैं, बारिश कभी भी हो सकती है और मेरे यहाँ पे धूप आ गई है। चलो अभी यहाँ से निकलेंगे अगले पड़ाव के लिए। बोलो बाबू राज की जय। अब हम मधुआ जी से निकल चुके हैं, पार्ट नारायण जा रहे हैं और मैं रास्ता दिखा रहा हूँ कि देखो आज कितना अच्छा मौसम बना हुआ है। सुरम्य दृश्य, सुरम्य दृश्य, सुरम्य दृश्य, बादलों बरसात का। बादलों की घटा छाई हुई है, पहाड़ पर बादल उतर आए हैं,
धुन आसमान बादलों से छाया हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे बादल धरती को चूम रहे हैं। बीर तेजा जी वो अच्छा पे पहुंच है। अच्छा वो मंदिर बनाई दियो अच्छा ये पड़ी हो तो गए मंदिर बन गया अच्छा अच्छा पानी पियो पेन पहुंच है। हां अच्छा नदी पार कर रहा मैं वशिष्ठ आश्रम जाऊं जी मनाथ खानी आई नदी आई तब हम पहुंच गए हैं पाट नारायण भव्य द्वार बना हुआ है पाट नारायण बनाया अति प्राचीन दर्शनीय स्थल बोलो बाबू राज की जय। गोविंद ने मंदिर सिंह जी ने मुंडो पूछो जरे उनके स्वामी ने माधव ने कहा गोविंद ने मंदिर सिंह जी अखंड रामायण पाठ चल रहा है कई वर्षों से जो हमेशा चलता ही रहता है। पाठ नारायण की खासियत है यहाँ का प्राकृतिक और मनोरम दृश्य खेत डोगी आनंद लेते हुए झरने का कोई रोकने वाला नहीं कोई टोकने वाला नहीं। चलो अब हम पाट नारायण से निकलेंगे बोलो आबू राज की दिखा देते हैं क्या मैं घर पे ही दिखा दूंगी यहाँ से दिखाने नहीं है What an art! What an art! Stone art! चलो लेट हो रहे हैं आगे बहुत गर्मी है। अरे लेट ही माँ देखो। अब हम पाटना नदी से निकलते हुए बहुत ही अच्छा मंदिर है बहुत ही प्रॉपर व्यवस्था बहुत शानदार अखंड रामायण का पाठ बहुत अच्छा लगा। चलो अब हम पाट नारायण जी से निकल के आए हैं भीमा शंकर जी ये भी एक ज्योतिर्लिंग है और यहाँ पे ऑब्वियसली शिव जी हैं। यहाँ पे संत भी मिले हमें
यहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो भी बहुत पुरानी मूर्तियां हैं। यस यहाँ पर पांडव आए हुए हैं। पांडव तो यहाँ पर ये वो पैसे वाले मंदिर थोड़ी है। रुद्र शिवा तनूर घोरा पाप कारणी तया नस्तन वासंत माया गिरी संता बीजी हर्ष क्या कर रहा रिकॉर्ड ओम 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 शिव काशी शिव काशी 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 शिव शिव तत्पुरुषाय चाची जी तब हम फिर मंदिर से बाहर आते हुए चलो अभी हम भीमा शंकर जी से निकलेंगे और आगे अगला पड़ाव आबू राज की जय। और अब हम भीमा शंकर जी से निकल रहे हैं और अब हम जा रहे हैं करोड़ी ध्वज जी के उधर देखो हिम्मत राम जी ने मैं दोनों मानी जो मैं घर डाक बंगला जाऊँ खानो बनाऊ मैं हिम्मत राम जी दवाई लेनी है जी को जाऊँ पैदल जी को अरे आया मैं भैसा मैं करोड़ी दुध जी के लिए हम उनके बेस पे तो पहुंच गए अब वहां से पैदल पैदल ऊपर जाना है। अच्छा साइड में बढ़िया रोड है गेट का रोड भी यहां पे दी एंड हो गई है बोलो आबू राज की जय। ये करोड़ी दुजी के नीचे हमारे बंदर भाई साहब खाना खाते हुए बैठे हैं। और अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बाय वॉक। और अब हम पहुँच गए हैं करोड़ी दो जी
देखिए आपको विष्णु भगवान के दर्शन करवाते हैं। विष्णु भगवान आराम फरमाते हुए इधर कुंड है, उसके भी दर्शन कराएंगे। ये कुंड है अगेन, बहुत प्राचीन मूर्तियां। जय भोलेनाथ। गंगा मैया के मंदिर में आगे बढ़ रहे, हैंगर आगे रह रहे और ये कमल रहे। गंगा मैया रखा हुआ ना मगरमच्छ रहे, गंगा मैया के मंदिर में आगे मगरमच्छ होता। तो मगरमच्छ चाहे जो रहता हो तो गंगा कहाँ वास करती? गंगा कहाँ वास करती? शिव जटा में। शिव जटा में अब ब्रह्मा के कमंडल में। भगवान विष्णु के अंगूठे में, विष्णु भगवान के अंगूठे में। अगर अगर दुनिया देखे तो ये कौन बैठा है? कुत्तो। और यहाँ से आप देखिए प्राकृतिक सौंदर्य, टोटल ग्रीन। सूर्यवंश भगवान राम का कहा जाता है। इसी से जो है अगर देखोगे तो सूर्य के सात रंग भी जो इसी में तो आते हैं। करमणी ध्वज सात जो है जीरो लगे, एक एक रंग का एक एक जीरो है। क्योंकि सच जो है कल था, सच का इतिहास है, सच वर्तमान है और सच ही आपका भविष्य। जैसे सीट होती है वो तो शाम को कोठार चले जाते हैं। अच्छा यहाँ भी है पीछे कोठार में रहते हैं, कोठार को ही गवर्नर कहते हैं गवर्नर। अब यहाँ से निकलते हुए करोड़ीदत्त सूर्यदेव, सूर्यदेव आज के साक्षात देव जो हमेशा दर्शन देते हैं, इसलिए उनका महत्व बढ़ जाता है। बोलो आबू राज की जय। और अब हम निकलते हुए अगले
स्टॉप प्योर। और अब हम पहुंचे हैं हनुमान जी यहाँ पे, बहुत बड़े महाराज हैं केशवराम जी, उनसे भी हम मिलेंगे। बारिश की छींटे आ रहे हैं, बोलो भजंग बली की जय, आबू राज की जय। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। और देखो बारिश शुरू हो गई, आनंद आ गया। अंजनी माता का मंदिर है, और अब हम पहुंच गए हैं अंजनी माता के मंदिर। यहाँ पे बारिश होते हुए, यहाँ पे बनियान ट्री, यहाँ पे बेसिकली तो बहुत बंदर होते हैं पर आज बारिश की वजह से नहीं है। अरे मंदिर बन रहा है, अरे वाह। अभी जैसे मंदिर का काम चल रहा है इसलिए सारी मूर्तियां यहाँ पे रखी गई है। अब हम अंजनी माता से निकलते हैं। अंजनी माता से निकल रहे हैं, अब कहाँ जाएंगे? देवक्षेत्र जी। देवक्षेत्र जी, टू बी कंटिन्यूड। अब हम पहुंच गए हैं देवक्षेत्र जी, पूरा ही चेंज हो गया है। बहुत पहले जब देखा था तब
चलो आपको दर्शन कराते हैं अंदर आबू की वादियों में। थैंक यू रखा कर एक पास में। इसके लिए टैटू खुद लाया क्या पीछे इधर देख यस इधर हमें पीछे इसके जब बताऊंगा। शिकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुम्भो भवगोत्रमाल्य मुनिन्द्र देवार्चनचित्रेकराय चन्द्रार्कवैश्वानराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जगाधराय विनाकवर्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय। देव छतरजी भी काफ़ी पुराना मंदिर है, यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे संत हुए हैं। अभी भी मैंने आपको बाहर बताया था, यहाँ पे एक नहीं बताया तो अभी बता दूँगा, एक हवन की जगह थी, वहाँ पे 108 हवन करवाए थे एक संत ने। विशेषता यह कि लंबे समय से इसकी ध्वनि जो है गूंजती रहेगी। वो ये पुरानी तकनीक है, अब आजकल ऐसे नहीं आती है, आजकल थोड़ी आ गए। चालू की थी परिक्रमा जानो है तो तुम आप उडवारिया निकलो, उडवारिया तू जाओ। हाँ तो उडवारिया 6-7 किलोमीटर से काचो बस वो तो मैं जानो जानोगे गोशाला है वो 10-12 किलोमीटर वो भी तो ईसरा है जी बेटे, यहाँ पे देवताओं ने वास किया था कुछ समय के लिए, यहाँ पे रहे थे, इसलिए इस स्थान की महत्वता बढ़ जाती है उससे। और अब हम देव छत्र जी से निकलते हुए, मौसम बड़ा सुहाना, हर तरफ ग्रीनरी। बोलो बाबू राज की जय। सारे परिवार वाले इंतजार करते हुए, चलो आबू राज की जय। अब हम देव छत्र जी से निकल गए हैं और अब हम जा रहे हैं वास्थानेश्वर महादेव, वास्थान जहाँ पर देवताओं ने जो है एक रात्रि विश्राम किया था। 33 करोड़ देवी देवता जब बाबू माउंट में आए थे तब उन्होंने वहाँ पर एक रात्रि विश्राम किया था, वास किया था, इसलिए उस स्थान का नाम वासस्थान ईश्वर महादेव पड़ा है। और वही एक भारत में ऐसा मंदिर है जहाँ पर शिव मंदिर है और विष्णु वहाँ मेहमान रूप में विराजमान है, इसलिए जब
आरती भोग लगता है तब पहले मेहमानों को विष्णु भगवान को भोग लगाया जाता है, तत्पश्चात शिव जी के भोग लगता है। और वहाँ के पुजारियों की विशेषता है कि हर आने वाले उनको ये वरदान है महादेव जी का कि जो भी यात्री आते हैं वो मेहमान है, इसलिए उनका स्वागत किया जाए, इसलिए वो प्रेम से हर मेहमानों का स्वागत करते हैं। बोलो बाबू राज की जय। और अब हम पहुंच गए हैं वास्थानेश्वर महादेव। यहाँ पे बहुत बंदर हैं, बहुत पानी है। वो मेरे से डर रहा है, मैं उससे डर रहा हूँ। जय बाबू राज। As you can see the beauty of nature, it's really very, very nice. Nahi bada. ये मुनि महाराज का भी प्लेस है जो बहुत बड़े संत हैं। सबसे पहले हम दर्शन करेंगे मुनि महाराज के। ये है मुनि महाराज जो जोधपुर दरबार के कुछ रिलेशन में थे और बहुत बड़े संत हुए हैं, बहुत ही उग्र स्वभाव के। अपना यही था कि वो सारे ऊपर गिरेंगे, अब नहीं गिर सकते। देखो ऊपर बढ़ जाती, हमें तो ऊपर है ही नहीं कोई। नमस्कार, को तो सीधा बंदरों के पास छोड़ दो, इसकी इच्छा ये है, इसलिए हम तो सब यहाँ आ जाते हैं और तू अकेले गड़े में बैठ रही थी। और अब हम वास्थानेश्वर जी से निकलते हुए यहाँ से अब हम जाएंगे मांडवाड़ा। मांडवाड़ा हमारे लिए धार्मिक स्थल है क्योंकि वो आबूराज की आबूराज का घर है वहाँ पे। अपने फैमिली के साथ में स्नैक्स का लुफ्त उठाते हुए और ये बच्चे हमसे डर के भागते हुए।
अब अगला पड़ाव मांडवाड़ा, बोलो बाबू राज की जय। यू कैन सी दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेचर। दुजान मराओ जय रघुवीर काहे सब को वही सिंहासन अति उच्च मनोहर श्री समेत बैठे प्रभु दाप श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी रमौ सुध शरद अजीर विहार दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। नमः शिवाय। यहाँ पे है गुफा वास्तान जी की। गुफा मतलब पत्थर के नीचे बैठ जाएगी। जैसा कि मैंने कहा था हम आबूरा के घर पहुंच चुके हैं। We can see a lot of development. मजा करो मजा करो मजा। Yeah, Abhiraj, best, 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 best. Yeah, Abhiraj. मैं भी तो बना गई हूँ धीरे धीरे। Oh, जय Abhiraj, जय Abhiraj. जय अबूरा जय अबूरा जय अबूरा जय अबूरा उधर था अपने रहने का वो इधर ये दूध पूर्ति है छोटो भाई है वही मोटा आपसे बैठा एल आई सी ऑफिस में
अब उधर के यहाँ पे भोजन और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, बाबूराज जी के मंदिर जाएंगे जो हमारा मानवाड़ा में स्थापित है, वहाँ पे दर्शन करके फिर हम आगे निकलेंगे। बोलो बाबूराज की जय। और अब हम पहुँचे हैं मानवाड़ा के बाबूराज के मंदिर। और अब हम मानवाड़ से निकलेंगे। बोलो बाबूराज की जय और सीधा निथोड़ा। और अब हम पहुंच गए हैं निथोड़ा। यहाँ पे बद्रीनाथ और केदारनाथ का मंदिर है, प्राचीन मंदिर, बहुत ही प्राचीन। और ये देखिए आबू की वादियाँ ढकी हुई बादलों से। बाबूराज की जय। और यह है बद्रीनारायण। गुरुजी विष्णु भगवान के अवतार, विष्णु भगवान के वाहन। चलिए और ये सूर्य भगवान।
तो जैसा कि मैंने कहा था, आखिरी स्पॉट इस तरह से हमारी यात्रा पूरी होती है। और जानकारी के लिए वेट कीजिए। जय बाबा।